रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर स्टेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन 412 मेगावाट संबंधित सीटू के मजदूरों ने वायल नामक स्थान में धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि परियोजना प्रबंधकों ने समझौते के अनुरूप उनकी मांगों को नहीं लागू किया है, इसलिए मजदूर मांग कर रहे हैं कि श्रम कानून को सख्ती से लागू किया जाए। रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन 412 मेगावाट संबंधित सीटू के मजदूरों ने ब्याल नामक स्थान में धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि परियोजना प्रबंधकों ने समझौते के अनुरूप उनकी मांगों को लागू नहीं किया है, इसलिए मजदूर मांग कर रहे हैं कि श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। इससे पूर्व मजदूर 12 दिन तक सांकेतिक प्रदर्शन भी करते रहे। मजदूर परियोजना के पावर स्थल से रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए परियोजना मुख्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखी। इस रैली को सिट्टू जिला अध्यक्ष बिहारी स्वेगी, महासचिव नरेंद्र देशता व यूनियन के प्रधान संदीप व सचिव रिंकू राम ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 412 मेगावाट का प्रबंधन व ठेकेदारों को यूनियन के द्वारा 14 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था, जिसमें यूनियन ने मांग की है कि 412 मेगावाट के मजदूरों के लिए प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाए। मजदूरों के लिए रेगुलर स्टाफ की तर्ज पर जूते वर्दी के साथ साथ भत्ते दिए जाएं। इस वर्ष मजदूरों के वेतन में वार्षिक इंक्रीमेंट लगाई जाए। रेगुलर स्टाफ की तर्ज पर मजदूरों के लिए बस से निर्मंड और कोयल से बायल के लिए लगाई जाएं। ईएसआई जो अभी तक लागू नहीं हुआ है उसे भी लागू किया जाए। यूनियन के सचिव रिंकू व संदीप ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में ठेका मजदूर पिछले 11 से 12 वर्षों से काम कर रहे हैं, परंतु उन्हें अभी तक कोई भी प्रमोशन नहीं दिया गया है और ना ही न्यूनतम वेतन के अलावा कोई सालाना इंक्रीमेंट मजदूरों को दिया जाता है, जबकि प्रोजेक्ट का पूरा काम कंस्ट्रक्टर वर्कर्स के द्वारा ही किया जा रहा है। सिटू जिला अध्यक्ष बिहारी स्वेगी ने बताया कि 21 फरवरी को परियोजना प्रबंधन को 14 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था। इस पर 14 मार्च को समझौता भी हुआ था, लेकिन मजदूरों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है और क्या मांग है? ये हमारा प्रदर्शन है। हमने 21 फरवरी 2019 को मैनेजमेंट को 14 सूत्रीय मांग पत्र दिया था और उस पर 14 मार्च को एक समझौता भी हो गया था, जो लिखित रूप में 18 एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मैनेजमेंट ने उसमें प्रोसीडिंग निकालनी थी, आज तक नहीं की है। इसमें मुख्य डिमांड है 6,000 रुपये यूनिफॉर्म का, डेजिग्नेशन मजदूरों की क्या है उसके अनुसार देना है, आने जाने के लिए बसें निर्मंड और कोयल बायल के लिए प्रमोशन पॉलिसी है, ईयरली इंक्रीमेंट है, ये सारी हमारी डिमांड है। और ये ESI लागू है जिला शिमला में तो दो कंपोनेंट इसके आते हैं, जाखड़ी और बायल, तो वहाँ पर इसने अभी तक लागू नहीं किया, जबकि 1 मार्च 2017 से लागू है। सीटू सचिव रिंकू ने बताया कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि परियोजना प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा करे। हमें और तेज करेंगे और मजदूर अपनी मांगों को लेकर कोई भी परिस्थिति हो लड़ने के लिए तैयार है। हम मैनेजमेंट को यही बताना चाहते हैं कि मैनेजमेंट अभी हमारे साथ समझौता करें, 18-1 में लागू करें। वहीं यूनियन के प्रधान संदीप कुमार ने बताया कि पहले 14 सूत्रीय मांग पत्र परियोजना प्रबंधकों को दिया गया था, उस पर फैसला भी हुआ था, लेकिन प्रोसीडिंग में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिस कारण मजदूर आंदोलन करने पर मजबूर हैं। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट का अध्यक्ष हूँ। हमारा जो ये धरना प्रदर्शन चला है, हमने इनको जो अपना एक डिमांड चार्ट दिया था उस पर हमारी साथ इन्होंने 14-3 को एक मीटिंग की थी, उसकी जो इन्होंने प्रोसीडिंग निकाली थी वो 18-1 में नहीं की है, उसके चलते ये हमारा ये धरना प्रदर्शन चला हुआ है। और कंटीन से भी इन्होंने 2-3 वर्कर हटाए थे, उसके चलते अगर ये हमारी मांगों को मान लेते हैं तो हम इस चीज़ को वापस ले लेंगे। तो चलो छोटे से ब्रेक का ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।